अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशर महर और मेरे साथ मौजूद हैं राना अदनान मुदस्सिर साहब। आज हम बहरिया हाइट्स के हवाले से बात करने जा रहे हैं। बहरिया हाइट्स टावर ए और एच का पोजीशन बहरिया टाउन देता है और अपना जो टाइम ड्यूरेशन है उससे काफ़ी लेट जो है वो डिलीवर करता है अलॉटीज़ को। ये एक अलग डिबेट है, लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो ये कि टावर ए और एच के पोजेशन के टाइम पर जब अलॉटीज़ अपने पोजेशन यूटिलिटीज़ पे करते हैं तो उन्हें एक बबल अमाउंट की सूरत में एक्स्ट्रा बिल्टअप एरिया और कॉमन एरिया की अमाउंट जो है वो उन्हें बताई जाती है कि आप पे करें और उसके बाद आप जो है वो अपने अपार्टमेंट की कीज़ ले सकते हैं। सर, मैं आज आपसे इसी टॉपिक पे बात करूँगा, जानूँगा कि अलॉटीज़ अपने पोजेशन के लिए अमाउंट पे करते हैं पोजेशन की और यूटिलिटीज़ की। जब ये पे करने के बाद एक साथ ये अनाउंस किया हुआ था कि 28 डेट को जो है वो 28 फरवरी को हम पोजेशन की हैंड ओवर करने जा रहे हैं, अलॉटीज़ अपनी ये एक्स्ट्रा बिल्टअप एरिया और कॉमन एरिया की अमाउंट पे करें और कीज़ हैं जो है वो अपने हाथ में करें, इस पे आप क्या राय रखते हैं कि क्या ये अमाउंट जो है वो चूँकि बहुत ज़्यादा अमाउंट 30 लाख तक की अमाउंट फर्स्ट फ्लोर के आउटर अपार्टमेंट के ऊपर पे करनी पड़ रही है एक अलॉटी को। अच्छा, देखें, ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी पड़ रही है उसमें मुबशर भाई जो पोजेशन और यूटिलिटीज़ के मद में पे कर रहे हैं आप, जी जी, वो एक अलग अमाउंट है, ठीक है, उसको तीन हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। जी बिल्कुल। और यूटिलिटीज़ की एक अमाउंट है और सेकंड अमाउंट है आपके टेरेस या बालकनी की जो एक्स्ट्रा स्पेस है, स्क्वेयर फिट उसको काउंट कर लें वो जितनी भी बनती है उसकी। तीसरे नंबर पर एक कॉमन एरिया की कॉस्ट इन्होंने चार्ज की जो कि 6,600 रुपये पर स्क्वेयर फिट के हिसाब से चार्ज की। जी बिल्कुल। अच्छा, वो एरिया और उसके अलावा फिर कोई एक्स्ट्रा लैंड अगर किसी अपार्टमेंट के अंदर है तो वो भी चार्ज किया। बिल्कुल ऐसे ही। तो जो तीसरी कैटेगरी में मैं बात कर रहा हूँ कॉमन एरिया की पर स्क्वेयर फिट कॉस्ट जो 6,600 रुपये के हिसाब से ले रहे हैं, जी बिल्कुल, वो उस पर कस्टमर्स का सबसे ज़्यादा एतराज़ है। किसी भी अपार्टमेंट में किसी में एक्स्ट्रा लैंड है या नहीं, कोई फर्स्ट फ्लोर पर है या 8वें फ्लोर पर है, कोई इनर है कोई आउटर है, उन लोगों को अप्रोक्सीमेटली 13 लाख रुपए की अमाउंट चार्ज की जा रही है उनसे। बिल्कुल। एतराज़ वहाँ बनता है कि अगर फॉर एग्जांपल आप आज 1100 स्क्वायर फिट का अपार्टमेंट बेच रहे हैं तो ये कॉमन एरिया के पैसे आपने लेने थे भाई, ये पहले बताते ना, ठीक है, नहीं बताया तो फिर आप उस पर क्लियर करते थे कि ग्रॉस एरिया ये है, नेट एरिया ये है, आप कॉमन एरिया के पैसे आज क्यों डिमांड कर रहे हैं? यानी क्लैरिटी नहीं थी फ्रॉम फर्स्ट डे अलॉटीज़ को। एम्बिग्यूटी जहां होगी वहां हमें बिल्डर की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क आएगा। तो आज बहरिया टाउन की इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन मार्क आया है, लोग बिल्कुल मतलब चला रहे हैं, हमें तो अप्रोच कर रहे हैं, बड़ा नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं। लेकिन हाँ, उसके मुकाबले में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों ने मतलब बहुत मुनासिब टाइम पर कम कीमत में परचेज़ किया था, आज कीमतें बढ़ गई हैं तो वो चलें इस वजह से इसको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। और मुझे भी यही कह रहे हैं कि अच्छा जी, आप कस्टमर्स को ये मैसेज दें कि अच्छा जी यहाँ पे तो 140-150 की कीमत हो गई है तो ये तो थोड़े से पैसे हैं, आपको क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो भाई अगर वो पैसे बढ़ गए हैं उसमें ना बहरिया टाउन का कोई अमल दखल है, न किसी भी एजेंट का कोई अमल दखल है, न किसी तीसरे किसी भी मतलब किसी और फर्द का कोई अमल दखल है। नहीं, एक इन्वेस्टमेंट थी उसके ऊपर कीमतें बढ़ी हैं, वो तो इन्वेस्टमेंट उसने एंजॉय करनी है ना। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया कीमतें बढ़ती गई, उसके फ्रूट्स तो फिर एग्जैक्ट ऑनर एंजॉय करे। बिल्कुल, इन चीज़ों का को कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा समय ली जा रही है वो 13 लाख रुपए की अमाउंट बनती है, ठीक है। पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस पे कोई एतराज नहीं, आपका टेरेस की अगर टेरेस की अच्छा खासा टेरेस है फर्स्ट फ्लोर पे, अगर वो नाज़िम पे कर रहे हैं उस पे भी कोई एतराज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि वो तो वो एरिया एंजॉय बहुत अच्छा किया जा सकता है, बहुत ज़बरदस्त वे में। नीचे आपका कमर्शियल एरिया है, मतलब अच्छा ज़बरदस्त आप कॉफ़ी एंजॉय करें वहाँ बैठ के, अच्छा खासा व्यू मिलता है। बिल्कुल, और ख़ासकर आउटर वाले लोगों के लिए वो बिल्कुल वो सारा। अब यहाँ पे सिर्फ तीन चीज़ें थी, एक कॉमन एरिया, एक अपार्टमेंट का यानी विद इन वॉल्स जो एरिया है वो उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा टेरिटरी का ऐड हो जाना, कुछ एक्स्ट्रा लैंड का निकल आना, और तीसरा ये था टेरेस। आपका ये कहना है कि टेरेस एरिया, टेरेस भी ठीक है, चले पे करें। हाँ जी, कॉमन एरिया के ऊपर, कॉमन एरिया, कॉमन एरिया लिफ्ट का एरिया आ गया, आपके ये पैसेजेस आ गए उसमें, रिसेप्शन वाला एरिया आ गया जहाँ पे लिफ्ट लगी हुई है, आपका स्टेयर केस है या मतलब जो कार्गो लिफ्ट का एरिया, रिसेप्शन
कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर काउंट की। लेकिन अदनान साहब, जब मैंने इसको इस पर रिसर्च की या मैंने जाना, जब मैंने गूगल सर्च किया, तो मुझे ये हर जगह पे पढ़ने को मिला कि जो सुपर बिल्डअप एरिया होता है, जिसके अंदर कॉमन एरिया, अमेनिटीज़ और ये सारी चीज़ें इंक्लूड करने के बाद बिल्डर ये इख्तियार रखता है कि वो इन सब चीज़ों को चार्ज कर सकता है। चार्ज अख्तियार नहीं रखता, कोई बिल्डर भी इतना मासूम और नन्ना प्यारा बच्चा नहीं है जो नहीं चार्ज करता। बिल्कुल, मेरा यहाँ पर मौकफ़ ये है कि वो चार्ज करें, लेकिन जस्ट इन्फॉर्म योर कस्टमर बिफोर टाइम। ठीक है, आप एट द टाइम ऑफ बुकिंग बताएं ना, आप ना कहें कि 1100 स्क्वायर फीट का एरिया। यहाँ पे जो टाइम गैप आया है कि वो लोगों ने पोजेशन अप्लाई किया हुआ है और चाबियां हैंड ओवर होनी है उससे 22 तारीख को ये जो है ये। अच्छा, मेरा मानना ये है कि आप 1100 स्क्वायर फीट एरिया अनाउंस ही ना करें, आप ये बताएं कि हम लोग 1400 स्क्वायर फीट का या 1300 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट बेच रहे हैं। आप ये ना कहें कि आप 1100 बेच रहे हैं और कस्टमर तब भी लेगा, कस्टमर ने तो तब भी लेना है। फिर आप आज प्राइवेट बिल्डर यहाँ नहीं कर रहे, पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में करते हैं। बिल्कुल, लेकिन ग्रॉस एरिया और नेट एरिया को डिफाइन करते हैं। ग्रॉस एरिया और नेट एरिया में या मतलब यही तो इसका मतलब है जो हम बिल्कुल हमने जिस तरह हमने पहले डोमिनियन मॉल एंड अपार्टमेंट बेचे तो उसमें टेरेस एरिया हमने देखा कि करीबन 700 स्क्वायर फीट तक का टेरेस एरिया या 1200 स्क्वायर फीट तक का भी टेरेस एरिया बड़े अपार्टमेंट्स में नज़र आया। तो अब उसमें उन्होंने क्या किया कि जो टोटल मेट सपोज अगर 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट रेट था तो उन्होंने टेरेस का हाफ चार्ज किया, 5,000 रुपये पर स्क्वायर फीट रेट टेरेस का चार्ज कर लिया। इसी तरह हमें पता था कि हम कस्टमर को बता रहे हैं कि नेट एरिया जो विद इन वॉल जो है वो आपका ये एरिया है, ग्रॉस एरिया में आपकी लॉबी आ गई, पैसेज है, स्टेयर्स हैं, लिफ्ट है और फिर आपका एंट्रेंस है, रिसेप्शन, ये सारी चीज़ें। यानी उसको पहले से पता है कि मैं जो पैसे पे कर रहा हूँ वो किस किस चीज़ की बिना पे कर। एग्जैक्टली, और उस पर कस्टमर को आप एक्सप्लेन करते हैं, एक अच्छा गेस्चर जाता है, पॉजिटिव गेस्चर, यस मतलब इट्स ऑल डन, हमें एक्सप्लेन किया और हमें पता है। और फिर इसके बावजूद मुझे तो एक और डाउट भी है कि जो फॉर एग्जाम्पल 1100 स्क्वायर फीट एरिया पहले है और उसके लिए अब कॉमन एरिया के पैसे मांगे जा रहे हैं, जो अपार्टमेंट अगर उसकी हम मेजरमेंट करने चल पड़े तो वो 1100 स्क्वायर फीट एरिया भी पूरा है या नहीं, ये भी मुझे नहीं पता अभी, क्योंकि अभी तो जो हमारे कस्टमर शिफ्ट हो रहे हैं तो वो एक दफ़ा शिफ्ट हो जाए तो फिर मैं कैलकुलेशन के लिए जाऊँगा, सर्वे के लिए जाऊँगा। नहीं, वैसे तो बैरिया का अपार्टमेंट वो जो वो ओपन है, वो बल्कि वहाँ विजिट्स भी हुए हैं। नहीं, एग्जैक्ट मेजरमेंट तो जारी बात है कि अलॉटी ही कर सकता है कि जो वहाँ पे अपार्टमेंट अगर ऑन करता है तो वो जाके मेजरमेंट वो करेंगे इंशाल्लाह हम लोग भी, बस क्योंकि अब बहुत सारे हमारे कस्टमर्स हैं जिन लोगों, यानी कस्टमर्स का जो ये कंसर्न इस टाइम आ रहा है वो ये है कि एकदम से बबल अमाउंट जो है बबल अमाउंट वो हमारे ऊपर जो पहले परेशान होते हैं कि हिडन अमाउंट ना ली जाए, तो ये इस तरह के चार्जेस लिए गए हैं, बस ये इस पे कस्टमर्स का एतराज़ है। बिल्कुल, लेकिन ये कि अब जिन्होंने बुकिंग करवाई हुई है और बहुत ज़्यादा इसके हवाले से, चूँकि एक दफ़ा से कस्टमर्स ने रोक दिया है इसके ऊपर और बार बार कस्टमर्स की कॉल और पूछ रहे हैं कि जी अब हमें इस पर क्या करना चाहिए, तो अब ये जो अमाउंट है जिस तरह 13 लाख रुपए तक की अमाउंट एवरी पर्सन, जिस तरह एक कैलकुलेशन के मुताबिक 12,000 स्क्वायर फीट जो है वो एक फ्लोर की टेरिटरी बनती है कॉमन एरिया की, यानी पूरी बिल्डिंग, पूरी बिल्डिंग की नहीं सॉरी एक फ्लोर की 12 टावर की ना, एक टावर के अंदर जो एक फ्लोर है एक फ्लोर की मैं कह रहा हूं, एक फ्लोर पे 12,000 स्क्वायर फीट जो है वो 20 अपार्टमेंट के ऊपर डिवाइड हो रहा है, जो कि 660 स्क्वायर फीट जो है वो तकरीबन निकल रहा एरिया कॉमन एरिया। ठीक है, ठीक है, और जिसको 6,600 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये अमाउंट तकरीबन 13 लाख रुपए की बन रही है। ठीक है, तो इसको पे करने के बाद बैरिया का कहना है कि आप अपनी कीज़ जो हैं वो ले सकते हैं और इसके अलावा एक्स्ट्रा लैंड जो है वो भी किसी की 5 स्क्वायर फीट है, किसी की 50 स्क्वायर फीट है, किसी की 25 स्क्वायर फीट है एज़ पर बैरिया टाउन मेजरमेंट, तो ये अमाउंट पे करने के बाद अपने अपार्टमेंट की आप कीज़ ले सकते हैं और वहाँ पे रिहाइश पजीर हो सकते हैं, बैरिया हाइट्स के अपार्टमेंट को एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, हमारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।